हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टू अनदर न्यू वीडियो। होप तो आप लोग सब अच्छे होंगे। और पिछला वीडियो को देख के आप लोगों को पता होगा कि हम अभी आए हुए हैं पारसनाथ अपने फ्रेंडों के साथ। और अभी हम लोग जा रहे हैं पारसनाथ हिल्स, और अभी सुबह के बज रहे हैं 5, तो बहुत लंबा चढ़ान है। तो चलते हैं, निकलते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। और हम अच्छे से अच्छा खासा रेडी हो चुके हैं, निकलते हैं क्योंकि अभी हम लोग को बहुत लंबा चढ़ना है। तो ज़्यादा लेट उठना करते हुए जल्दी निकलते हैं। और यहाँ पे मंदिर अच्छा अच्छा है, बहुत अच्छा अच्छा है, तो रास्ता में मिलते हैं, वरना मेरे दोस्त लोग अभी मुझे छोड़ के चला जाएगा। चलो हम लोग एक बाइक पे दो दो जन करके हैं, तो हम लोग टोटल 3 बाइक में हैं। और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, और फिर उधर पहाड़ है। तो यहाँ पे इतना प्यारा प्यारा मंदिर है ना कि क्या ही बोले, सब जैन मंदिर। A few moments later, पहाड़ पे चढ़ाई स्टार्ट हो चुका है हम लोग का, और बाइक से जाने को डर लग रहा है भाई। देख लो रास्ता, बस भोलेनाथ की, भोलेनाथ का नाम लेके हम लोग जाएंगे। गाइस, हम लोग को और थोड़ा सा जल्दी आना चाहिए था, तो हम लोग ऊपर से सनराइज देख सकते थे। देखो यहाँ से भी दिख रहा है। अरे भाई, गाड़ी का क्यों हमारा, एक मिनट ऊपर ही जाके गाड़ी दिखाते, क्योंकि यहाँ कोई दिखेगा नहीं हमको डाल दिया, क्योंकि सब तरफ जंगल ही जंगल। और अभी हम लोग ऑफ राइडिंग कर रहे हैं, इतना ऑफ राइडिंग कर रहे हैं कि क्या बोल। यहाँ से हम लोग ज़्यादा दूर नहीं हैं, और थोड़ा सा, और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आता है। और अभी हम लोग भैया को बोले, भैया बोले कि फ़ोटो शूट करना है, तो हम लोग थोड़ा सा एक दो फ़ोटो क्लिक कर लिए, और अब यहाँ से निकलते हैं। अच्छा व्यू है ना, कमेंट करके बताना। तभी आप लोग को दिखाई कि हम लोग मंदिर पहुंचने वाले हैं, पर अभी हम लोग पहुंचे नहीं हैं मंदिर। अभी हम लोग को यहाँ से वहाँ तक, उधर दिख रहा है वो आदमी लोग आ रहा है, वहाँ से वहाँ पे गाड़ी आएगा, गाड़ी वहीं तक छोड़ेगा, फिर वहाँ से आप लोग को यहाँ से पैदल चलना है। और हम कुछ नहीं चले हैं, मेरा पैर दर्द कर रहा है। अभी इधर सनराइज हो चुका है, इसका कुछ नहीं। और इस पहाड़ में टोटल 24 मंदिर है। अभी हम लोग जिसमें जा रहे हैं वो मेन मंदिर है, और ये स्पेशली जैन का, जो जैन तीर्थ स्थल है। क्या क्या बोल रही हो तुम, कंफ्यूज हो रहे कि हमको क्या बोले क्या नहीं। और देखो व्यू, अरे भाई फोकस करो, प्यारा है ना, वाह ना, यहाँ कितना सुंदर फोटो आएगा। चलो फोटो उठो नहीं, क्लिक करते ऊपर चलते हैं। ज़्यादा चढ़े नहीं हैं, पर अभी से ही मेरा हालत ख़राब हो रहा है, और जो लोग नीचे से ऊपर पैदल आता होगा वो लोग का हालत मानना पड़ेगा, वो लोगों को सैल्यूट है मेरी तरफ से। और अगर आप लोग यहाँ आते हो, ठीक है, एक पैदल आ सकते हो, एक बाइक ले सकते हो, ठीक है, पर अपना बाइक से मत ही आना, तो ज़्यादा अच्छा है। और शायद यहाँ अपना बाइक से आने के लिए अलाउ भी नहीं करता है, यहाँ के जो मतलब नीचे में जो रहते हैं वही लोग लेके आते हैं। आने का शायद 500 रुपये, और टोटल आना जाना मिला के 800, आने का सिर्फ 500 रुपये, और आना जाना दोनों करिएगा तो 800 रुपये लेता है। और हम इधर का लोग इतना, क्या बोले, प्रो है ड्राइविंग में। एक तो इतना भयानक से चला के आया, हम ज़िंदगी में इतना एडवेंचर नहीं किए थे जितना हम आज किए हैं। और क्या ही बोलेंगे, मूवी सब में देखे थे, कहानी सुने थे कि एक तरफ खाई, कहावत बोल सकते हो, एक तरफ खाई है एक तरफ पहाड़ है, अब तुम जाओगी तो जाओगी कहाँ, तो सीधा रास्ता बढ़ो वही बेहतर है, या पीछे पीछे कैसे जाएंगे, रिटर्न पीछे भी नहीं जा सकते, बस आगे बढ़ते रहो अपना दिल में पत्थर रख के, हम
पत्थर को पार कर करके कर करके इतना दूर आए हैं, और अभी यहाँ पे मेरे को चढ़ना है। और यहाँ का व्यू इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि क्या ही बोले आप लोग को। आप लोग खुद से आओ, और ज़्यादा दूर नहीं है। और वैसे हम बताएं कि यह कहाँ है, हाँ तो हाँ बताएं, पारसनाथ है वो तो बताएं। और यहाँ टोटल 24 मंदिर है इस पहाड़ में जितना, ठीक है। तो ये है मेन पारसनाथ वाला मंदिर मेन है, इसके अलावा और 23 मंदिर है। तो वहाँ तो हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग का 3 बजे ट्रेन है, तो हम लोग निकलेंगे और यहाँ थोड़ा बहुत देखेंगे। और नीचे में कुछ कुछ मंदिर है जो बहुत प्यारा प्यारा है, तो हम लोग वहाँ जाएंगे और कभी आएंगे टाइम निकाल के अच्छा से। और भी जितने कोई आए हैं उससे अला और ढेर कोई, तब हम लोग सारा ट्राई करेंगे घूमने का। पर इसमें एक दिन बोल दो कि लग जाएगा अगर अच्छा से घूमना चाहते हो तो। कितना भाषण करते हैं ना हम, पर क्या कर सकते हैं। मेरे दोस्त लोग को मेरे ब्लॉग में आना नहीं है क्योंकि वो लोग कैमरा साई है, और पर हम वो लोग को कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि पहले हम भी थे, तो वो लोग को ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। तो थोड़ा देर बैठते हैं, उसके बाद फिर से चढ़ाई स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं अब मेन मंदिर का व्यू के साथ। और एक बात, हमको इतना दिन से लग रहा था कि पारसनाथ शंकर जी का मंदिर है, पर वहाँ जाके पता चला एक जैन तीर्थ स्थल है, ये भी बहुत अच्छा है, एक बार लाइफ में ज़रूर विजिट करना, बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। और ट्राई करना कि ट्रैकिंग करके जाने का। वैसे हम पारसनाथ इसलिए गए थे क्योंकि मेरा यूट्यूब में 1 साल काम किया हो गया था और हम 16 अप्रैल को फर्स्ट वीडियो डाले थे, तो हम सोचे चलो कहीं पर अच्छे से जाते हैं और दर्शन करते हैं, तो इसीलिए हम लोग पारसनाथ गए थे। इतना ऊपर तुम लोग कैसे आ जाते हो बताओ। ऐ प्यारा सुंदर सुंदर सुंदर, ये लोग भी इस प्यारे नजारे का लुत्फ उठाने आते हैं। क्या तुम्हारा घर यही है बताओ ना हमें, क्या तुम्हारा घर यही है या तुम नीचे से इतने ऊपर आते हो घूमने के लिए बताओ। किसके साथ आए हो तुम, नहीं बात करोगे मेरे से, ठीक है मत बात करो। थे प्रसाद लेने के लिए, ले लिए हैं, अब चलते हैं ऊपर। तो अभी हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं और दर्शन भी कर लिए, थोड़ा सा फोटो सेशन कर रहे थे और यहाँ का व्यू दिखाते हैं आप लोगों को। एक साइड से मंदिर का व्यू कुछ ऐसा आएगा, फ्रंट से भी आप लोगों को दिखाएंगे, और मंदिर से ऐसा दिखता है कुछ। देख रहे हो, ये है फ्रंट से मंदिर का व्यू। 2000 years later। बोलिए, जैसे आप जैसे बोलने जा रहे थे बोलिए ना। जैसे कि यहाँ पर जितना भी पब्लिक रहता है पानी पीने के लिए, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। नीचे दिया गया वो इसका नाम चोपड़ा कुंड है, वहीं से पानी पूरा सप्लाई होता है पूरा पहाड़ में। हाँ, पूरा पहाड़ में 12 महीना पानी जलता है यहाँ पे। अच्छा। बाकी बात, यहाँ पर और कोई सुविधा नहीं है। तो जितना भी वहाँ उतना दूर जाता होगा पानी। हाँ, मतलब पीता है सब वहीं का पानी पीता है। और ये पानी इतना टेस्ट है कि बिस्लेरी पानी भी फैल सब जड़ी बूटी से बना। उधर सब छोटा छोटा जो मंदिर है ना। हाँ। वही सब है, बाकी बात कुछ नहीं। अरे वो उसमें वो सबसे लास्ट में सो। हाँ? वो उसका नाम है चंदापुर, 9 किलोमीटर में आना जाना, 9.5 किलोमीटर 4.5 जाना 4.5 आना। बाकी बात ये मंदिर जो है ना। हाँ। छोटा छोटा 24 टोक है इसी तरह बना। पब्लिक पैदल चलता है रात को। अच्छा। उधर से जाके पूरा पहले उसको दर्शन करता है। हाँ। उधर से करके रिटर्न फिर इधर आता है, इधर से फिर इधर। हाँ। इधर से फिर रिटर्न नीचे। अच्छा। और जिसको डायरेक्ट पारसनाथ आने का रहता है वो यही रास्ता होता है, वो पूरा घुमा के लेके जाता है। वो 27 किलोमीटर का रनिंग होता है पैदल। कितना देर लगता होगा, 14 घंटा लग जाता होगा ना पूरे दर्शन। हाँ, 13-14 घंटा लग जाएगा। आप जैसा रनिंग करेगा।
कोई 10 मिनट चलता है, 20 मिनट बैठ जाता है, उस समय टाइम लगेगा। और अगर आप लोग को आना होगा तो भैया से कांटेक्ट करिएगा, अच्छा से आपको घुमा भी देंगे, प्लस आपको अच्छा अच्छा प्लेस में फोटोशूट भी करा देंगे। तो भैया से कांटेक्ट करिएगा, अपना नंबर बोल दीजिए। 7667276234 तो कांटेक्ट कर लेना। और निकल रहे हैं अभी रूम के लिए, और अभी जो चीज़ है डर लग रहा था, अभी फिर वही एडवेंचर करेंगे अभी हम, अभी तो और ज़्यादा डर लग रहा है। तो मिलते हैं नीचे जाके। हम लोग का हालत ख़राब हो गया है, इतना हैवी हैवी ड्राइवर लोग दिखता है ना। यहाँ का रास्ता देखो गाइस, ये रास्ता देख रहे हो, इसमें लेके आ रहा है ठीक है हम लोग को, और वो भी धीरे नहीं लेके आ रहा है, इतना स्पीड लेके आ रहा है, इतना स्पीड लेके आ रहा है कि लग रहा है भटक गए। हम क्या सोचे थे कि मेरी मम्मी को लेके आएंगे, मस्त घुमाएंगे, बाइक से चलना है। अब जब हम यहाँ चल रहे हैं, मेरी मम्मी पता चला वहाँ पहुँचेगी नहीं, ऊपर ज़रूर पहुँच जाएगी, उसको इतना डर लग जाएगा क्योंकि मेरा हालत ख़राब हो गया था। इधर का तो रास्ता थोड़ा बहुत ठीक भी है, उधर जब हम लोग आ रहे थे उस टाइम ऑफ रोडिंग कर रहा था ना, उस टाइम तो उस जगह का रास्ता तो और ख़राब था, पर भी हिम्मत चाहिए भाई, एक तो बैठने वाला को भी हिम्मत चाहिए, प्लस जो चला रहा उसको तो क्या ही बोले। चढ़ लोगे तो आपको ये मंदिर मिलेगा, कली कुंड नाम है इस मंदिर का। और जाने टाइम हम लोग देखे तो पर हम लोग पहले वहाँ गए थे, उसके बाद अभी है। और ये भी सुंदर, बहुत बड़ा है ये भी, इसमें इधर मंदिर उधर मंदिर, सब तरफ मंदिर ही मंदिर। और ये है मेन मंदिर, और यहाँ लिखा हुआ है फ़ोटो खींचना मना है, तो इतना ही रखते हैं। और एक मंदिर आया है जो अभी इनकम्प्लीट है, पर भी इतना प्यारा दिख रहा है। और ये मधुबनी का क्या बोले सबसे बड़ा मंदिर है, और कैमरा ले जाना मना है, ले जाना मना है, इसलिए हम आप लोग को नहीं दिखा सकते बाहर से। देखो अगर अंदर का लुत्फ उठाना पड़ेगा तो आना पड़ेगा। और भैया बोल रहे हैं कि अंदर में जो ये पिलर है ना, उसको हाथ से घुमाने से वो घूमता है, और वो जो चक्र है वो भी। तो देखो प्यारा है ना, कमेंट करके बताना। 2000 years later. हेलो गाइस, अच्छा तो नींद कंप्लीट कर लिए है, अब जा रहे हैं थोड़ा सा खाना खाएंगे और थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। और बहुत ज़्यादा धूप है गाइस, पर हम ही लोग पागल हैं इतना धूप में आए हैं यहाँ, पर जो भी था वर्थ इट था ऊपर जाना। तो और यहाँ पे बंदर भी है, जा रहा है डेग उग रहा है, तो अरे जा रहे खाना खाने क्योंकि बहुत ज़्यादा वाला भूख लग रहा है। और तभी क्या पोहा खाए थे, तुमको इतना कुछ मज़ा नहीं आया था, भगवान की उम्मीद से है कि हमको खाना अच्छा मिल जाए, वरना फिर हे भगवान हम मर जाएंगे वरना खाना ढंग का नहीं मिला था। देख रहे हो बंदर रख रहे अभी, वरना लेके भाग जाएगा फोन। A few moments later. हम लोग निकल गए स्टेशन के लिए, और इस जगह को अब हम लोग